हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट में स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो रिव्यू वाली टेब है उसमें स्पेलिंग का ऑप्शन दिखता है, तो ये सारी स्लाइड्स में स्पेलिंग चेक करेगा कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। ओके, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो इसने सबसे पहले ये जो फ्यूचर वर्ड है उसको डिटेक्ट किया है कि आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें रेड अंडरलाइन है इस वर्ड के नीचे, मतलब ये गलत था। और यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है वो भी सजेस्ट कर रहा है। अगर आपको इसको इग्नोर करना है तो आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो कि नहीं, मेरे को इसको करेक्ट नहीं करना है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हो। लेट से ऐसी कोई मिस्टेक आपने आगे भी की हुई है तो आप सारी मिस्टेक्स को एक साथ चेंज करना चाहते हो तो चेंज ऑल पे क्लिक करो। तो यहाँ पे हम चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना फ्यूचर वाला वर्ड करेक्ट हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो हाईलाइट हो रही है। तो यहाँ पे जो फिफ्थ स्लाइड है उसमें मेरे को हाई लिखना था, बट मैं एच जी एच लिख दिया था, एच आई जी एच लिखना था। तो इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो करेक्ट वर्ड है वो यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। तो तीन यहाँ पे वर्ड सजेस्ट किए हैं कि यहाँ पे आपको हाई लिखना था, एच यू जी एस लिखना था या एच ओ एच लिखना था। लेट से मेरे को यहाँ फर्स्ट वर्ड ठीक लग रहा है तो उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं चेंज ऑल करूंगा। अगर इग्नोर करना है तो यहाँ पे इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको चेंज ऑल करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांसमेंट में मिस्टेक दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एन छोड़ दिया था, एडवांस एन छोड़ दिया था। तो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे चार सजेशन आ रहे हैं, तो पहले वाला ठीक लग रहा है तो उस पर क्लिक करके मैं चेंज कर लूंगा, तो चेंज ऑल कर दूंगा। ओके, तो इस प्रकार से पावर पॉइंट में जो स्पेलिंग वाला ऑप्शन है उसकी मदद से आप स्लाइड में कहीं पे भी अगर मिस्टेक है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सजेशंस की मदद से आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे स्पेलिंग वाला ऑप्शन आपको रिव्यू वाली टैब में मिलेगा। इसके अलावा आपको स्लाइड पेन के नीचे यहाँ पे एक डिक्शनरी या स्पेलिंग का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके भी आप जो मिस्टेक्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हो, उनके करेक्ट सजेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी ये स्लाइड्स को फर्स्ट से लेके लास्ट तक स्कैन करता है, एंड जहाँ पे भी इसको कुछ मिस्टेक दिखती है वो स्लाइड को ये हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे इसका इंडिकेशन ये है कि जो पहले की 6 स्लाइड है उनमें कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, 7 स्लाइड से स्पेलिंग मिस्टेक स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग में मैंने ई लिख दिया यहाँ पे, ई एन जी, बट ये आई एन जी होना चाहिए, और इसने यहाँ करेक्टली सजेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं चेंज ऑल पे क्लिक करके इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्पेल चेक कंप्लीट हो गया है, मतलब अब यहाँ पे जो ये स्पेलिंग वाला ऑप्शन है उसको और कुछ भी मिस्टेक्स नहीं दिख रही है, सारी स्पेलिंग्स इसको करेक्ट लग रही है। ऑलराइट, यहाँ पे जो स्पेलिंग वाला ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट करता है। लेट से इसको मैं कोई दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दूंगा, मान लो इसको मैं फ्रेंच में ट्रांसलेट करूंगा और फिर मैं वहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दूंगा, और फिर देखना है कि ये फ्रेंच में स्पेलिंग मिस्टेक्स डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए पहले इस कंटेंट को मैं ट्रांसलेट करूंगा। तो यहाँ पे टू वाला ऑप्शन है, इसमें आपको फ्रेंच सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंच का ऑप्शन था, तो ये फ्रेंच में यहाँ ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे अपना इंग्लिश वाला कॉन्टेंट है वो फ्रेंच में ट्रांसलेट हो गया, और ये जो डिप्लेसमेंट है लेट से इसमें मैं 2 ई एड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो गया है। ओके, इसके बाद हम यहाँ स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसने करेक्टली इसका जो रिप्लेसमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी और इसका करेक्ट वर्ड ये होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेंज ऑल पे क्लिक करके इसको चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से ये कोई दूसरी लैंग्वेज है उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक डिटेक्ट कर पाएगा। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ये डिटेक्ट कर पाएगा अगर वो चेक करना है तो आपको रिव्यू टैब में या लैंग्वेज का जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करना है, फिर आपको सेट प्रूफिंग लैंग्वेज है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कोई लैंग्वेज के पहले ए बी सी दिख रहा है वो लैंग्वेजेस की स्पेलिंग मिस्टेक से अच्छे से करेक्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे फ्रेंच, काफ़ी टाइप की फ्रेंच लैंग्वेजेज है उनके लिए भी डिक्शनरी अवेलेबल है, तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक से वो भी करेक्ट हो जाएगी। गुजराती के लिए भी यहाँ पे है, हिंदी के लिए भी यहाँ पे है, तो ये सारी लैंग्वेजेस है उनकी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक से वो करेक्ट हो जाएगी। तो गाइज, पावर पॉइंट में स्पेलिंग वाले ऑप्शन की मदद से कहीं पे भी अगर आपने कुछ टाइपिंग एरर कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो उनको आप चेक कर सकते हो या करेक्ट करवा सकते हो।